भागलपुर पुलिस लाइन में शनिवार को स्मरण दिवस मनाया गया। स्मरण दिवस कार्यक्रम के दौरान भागलपुर रेंज डीआईजी विवेकानंद और एसएसपी आनंद कुमार ने पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को नमन करते हुए पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर डीआईजी विवेकानंद ने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में डीआईजी ने कहा कि शहीदों ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उन वीरों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। स्मरण दिवस के दौरान पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में एक मिनट का मौन रखकर याद करते हुए पुलिसकर्मियों ने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की। इस दौरान डीएसपी और इंस्पेक्टर समेत कई पुलिस अधिकारी और काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखने के क्रम में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह देश एवं हम देशवासी इनके बलिदान के समक्ष नतमस्तक हैं तथा हम सभी इनके ऋणी रहेंगे। इस दिवस का ऐतिहासिक प्रसंग है कि आज ही के दिन वर्ष 1959 में भारत चीन सीमा पर लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों के बीच हॉट स्प्रिंग नामक स्थल पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक छोटी टुकड़ी पर चीनी आक्रमणकारियों ने अचानक हमला कर दिया। वहां देश की सीमा की रक्षा पर तैनात पुलिस के 11 बहादुर जवानों ने अंतिम सांसों तक लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भागलपुर पुलिस के जो बहादुर अफसरान और सिपाही रहे हैं, जिन्होंने कर्तव्य की बेड़ी पर अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया, उनके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। पुलिस खबर निरीक्षक स्वर्गीय अविनाश कुमार, जो कि मनियारचर थाना मुफस्सिल जिला मुंगेर के रहने वाले थे, 24/6/2014 को डीएमपी सशस्त्र बल और पुलिस जीप से संध्या गश्ती के लिए निकले थे और शाम को 5 बजे गांव खुले के पास बजियार में कुछ अपराधी दिखे, जिनको पकड़ने का उन्होंने प्रयास किया और जिसमें उनकी शहादत और इनके पूरे सेवाकाल के दौरान इन्होंने अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन शनिवार को माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान से की गई। शनिवार को जिले के सभी दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा पूजा वेदी पर चढ़ाकर श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया। वहीं इसको लेकर सुबह से माँ कालरात्रि की पूजा कर घरों और मंदिरों में दुर्गा सप्तशती पाठ का सिलसिला चलता रहा, जिससे पूरा शहर भक्ति स्वरूपा माता के भजन एवं जयकारे से गूंजता रहा। बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ कालरात्रि की सच्चे मन से आराधना करने से जीवन की सारी समस्याएं और बाधाएं दूर हो जाती है और माता का यह रूप अभय का वरदान देने वाला है। गधे की सवारी करने वाली माँ कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला होता है और इनके श्वास से अग्नि निकलती है। 4 भुजाओं वाली माँ कालरात्रि के बाल बिखरे हुए और ये गले में तेज चमकने वाली माला धारण करती है और इनके 2 हाथों में तेज कटार और कांटा है, जबकि बाकी के 2 हाथों से त्रिनेत्र धारण माँ कालरात्रि शरणागतों को वर और अवैदान प्रदान करती है। माता कालरात्रि की उत्पत्ति दैत्यराज रक्तबीज के वध के लिए हुई और दैत्यों के द्वारा युद्ध में ललकारे जाने पर माता का चेहरा काला और भौहें टेढ़ी हो गई, जिससे वे विकराल सी प्रतीत होने लगी और काली का रूप धारण कर पूरे रण क्षेत्र में दैत्यों को मौत के घाट उतार कर उनका भक्षण करने लगी। इधर शहर के मड़वाड़ी पाठशाला परिसर में नवयुवक संघ द्वारा इस बार बनाए गए पंडाल को रोम के वेटिकन सिटी पैलेस का रूप दिया गया है। इसके अलावा मुंदीचक गढ़िया दुर्गा मंदिर, आदमपुर चौक कचहरी चौक, तिलका मांझी वीकनपुर, मिर्जानहाट दुर्गा मंदिर, अलीगंज गोट्टा चौक, खंजरपुर
सकरारी समेत जिले के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मेड़पति परिवार और पूजा समिति की ओर से धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। वहीं नवरात्रि की सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं तिथि को लगने वाले मेला की तैयारी भी पूजा समिति की ओर से की गई है, जबकि जिला प्रशासन के निर्देश पर आवश्यक इंतजाम करने का दावा भी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा किया गया है। एक और जहां पूजा पंडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमा को पूजा वेदी पर स्थापित करने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं शहर के बाजारों में भी खरीदारी के लिए लोगों के बीच काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। रविवार को माता के आठवें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाएगी, जबकि महाअष्टमी पूजन के दौरान व्रत कथा और माता की आराधना को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह का माहौल है। भागलपुर जिला के साकुन प्रखंड अंतर्गत सबौर बाजार दुर्गा मंदिर में पूजा की व्यवस्था को लेकर गुरुवार को दो पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से यहां दो समुदाय के बीच विवाद की खबर आती रही है और इस वर्ष भी सजौर बाजार और फतेहपुर गाँव के लोगों के बीच विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। वहीं बढ़ते विवाद को देखते हुए शुक्रवार की शाम सजौर दुर्गा मंदिर परिसर में सदर एसडीओ धनंजय कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों ने अपनी बातें रखी। इस दौरान पूजा की सारी व्यवस्था की कमान प्रशासन के द्वारा संभालने का निर्णय लिया गया, जिससे शांतिपूर्ण माहौल में श्रद्धालु पूजा कर मेला का आनंद ले सके। साथ ही किसी प्रकार का कोई व्यवधान दोनों ही पक्षों द्वारा नहीं उत्पन्न करने की बात कहते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि जो भी व्यवधान पैदा करेगा उस पर प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पूजा एवं मेला संपन्न होने के बाद एक बैठक करने और दोनों पक्षों की सहमति से समिति का गठन करने की बात कही गई, जिससे अगले वर्ष से किसी प्रकार का कोई विवाद दोनों पक्षों के बीच पूजा के दौरान उत्पन्न नहीं हो। बताया जा रहा है कि वर्ष 2017 से ही सजौर दुर्गा मंदिर के मेड़पति और पूजा व्यवस्था को लेकर विवाद चल रहा है और आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण 2018 से ही प्रशासन की देखरेख में पूजा समेत सारी व्यवस्थाएं संपन्न कराई जाती है। वहीं इसको लेकर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने कहा कि मेला में किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो प्रशासन की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर विवाद को लेकर हुई बैठक में सदर एसडीओ धनंजय कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी अन्नू कुमारी, सीओ नीलेश चौरसिया, सजौर थाना प्रभारी महाश्वेता सिन्हा और कजरेली थाना प्रभारी नवनीश कुमार समेत काफी संख्या में पंचायत के ग्रामीण मौजूद रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर शनिवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा के आगमन की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने की। इस दौरान आगामी 29 अक्टूबर को कृष्णानंद स्टेडियम में मंत्री के आगमन को लेकर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया। वहीं मंत्री के आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत समारोह आयोजित करने की बात भी कही गई, जिसके लिए सभी टोला सेवक और शिक्षा सेवकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही विधायक समेत कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंत्री के आगमन से उन सभी को अपने कई अधिकारों के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी भी समस्याओं का समाधान संभव होगा। मौके पर सांसद प्रतिनिधि पवन केशान, प्रोफेसर संजय कुमार मंडल, निगम मांझी अमित कुमार सहित दर्जनों टोला सेवक और शिक्षा सेवक मौजूद थे। जनता को संदेश, पहले तीन लोग यहाँ पर उनका स्वागत करना चाहते सुल्तानगंज में, तो सब मिलकर के तय हुआ कि कृष्णानंद स्टेडियम में माननीय मंत्री श्री रत्नेश सदा जी का स्वागत किया जाएगा। उसी की तैयारी के लिए लोग अपना तैयारी कमेटी बनाया और सब बातों पर चर्चा होगी और अधिक से अधिक लोग आवे, कारण इसमें भागलपुर जिला और नौगछिया जिला दोनों से आदमी आएंगे। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर।
ग्रामीण बैंक के नीचे हटिया रोड तिलका मांझी भागलपुर बिहार कॉल करें 9431446600। दुर्गा पूजा के अवसर पर भागलपुर के वीआर पब्लिक स्कूल सरमसपुर में लूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद विद्यालय के प्राचार्य मुनिलाल मंडल ने कहा कि इस प्रकार के खेलों से बच्चों का बौद्धिक विकास होता है और इस तरह की प्रतियोगिता में बच्चों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। वहीं लूडो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान रिशु और प्रियांशी ने प्राप्त किया, जबकि बंटी और नीरज को द्वितीय स्थान मिला है। वहीं प्राचार्य के द्वारा विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।